ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। सेव लिप ड्रॉप्स, लीवर रोगों से मुक्ति एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए रामबाण नुस्खा। एसएस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, अब सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लोन लेना हुआ आसान। शिववानी टेलीकॉम, महा एक्सचेंज में पुराना मोबाइल देकर नया ले जाएं 0% इंटरेस्ट पर। दिल्ली में लगातार गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। कोरोना के 76 नए केस आए सामने, पॉजिटिविटी रेट गिरकर हुआ 0.11%। दिल्ली सहित मेट्रो शहरों पर हो सकता है आतंकी हमला, टारगेट किलिंग का अंदेशा। खुफिया विभाग ने पुलिस को दिए इनपुट्स, आतंकी मानव बम व टारगेट किलिंग करवा सकते हैं हमला। सीलमपुर मार्केट, रानीबाग मेन मार्केट और सुल्तानपुरी सब्जी मंडी बंद। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 3 बाजार किए गए बंद। आदेश न मानने वाले दुकानदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया पलटवार। कहा, दिल्ली को दे रहे हैं पूरा पानी, केजरीवाल सरकार सिर्फ दोष मढ़ने और विज्ञापन छापने का करती है काम। मोहन गार्डन में बुजुर्ग महिला के मर्डर की गुत्थी सुलझी, उधारी के 1,00,000 रुपए वापस मांगने पर हुई हत्या। सीसीटीवी और ई सर्विलेंस से पुलिस ने सुलझाया केस। दिल्ली में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के केस, कोरोना से ज्यादा हुए ब्लैक फंगस के मरीज। बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है महंगा। एग्जाम फीस वापसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, सीबीएसई फीस वापसी पर 8 हफ्ते में लेगी फैसला। सीबीएसई का कहना है कि किसी कानूनी अधिकार का नहीं हुआ है उल्लंघन। दिल्ली में बढ़ते गंदे पीने की पानी की समस्या को लेकर एक सरकारी कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए सत्येंद्र वापस जाओ के नारे। गुरुग्राम में हुआ एनकाउंटर, 2 इनामी बदमाश घायल, बदमाशों के साथ 3 पुलिस वाले भी हुए घायल। फिलहाल 2 बदमाशों को दिल्ली के हॉस्पिटल में किया गया रेफर। दिल्ली में आज जमकर बरसे बादल, बारिश ने कम की गर्मी की तपन, कई इलाकों में हुआ जलभराव। ऐसे ही तमाम दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर